माय गॉर्जियस एंड लवली लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्व्स एंड स्टाइल्स। मैं हूँ मिली और यस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्लाउड स्किन मेकअप। यस, इस तरह का क्लाउड स्किन मेकअप आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने भी सोचा चलो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा तरीका क्या है क्लाउड स्किन अचीव करने का। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लाउड स्किन मेकअप होता क्या है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि मैट और ग्लोई स्किन के बीच में ही आता है। ना आप इसको बहुत ज़्यादा मैट लुक में गिन सकते हो और ना ही इसे आप बहुत ज़्यादा ग्लोई स्किन के अंदर गिन सकते हो, क्योंकि ये वाला जो मेकअप लुक होता है इसमें आपका विद इन ग्लो नज़र आता है, जो आपकी स्किन का एक नेचुरल ग्लो होता है। इसमें हम कोई भी जब हम स्किन प्रेप करते हैं तो हम कोई भी ऑयली बेस यूज नहीं करते हैं, कोई भी ऑयली प्रेप नहीं होता है। और ये जो मेकअप है, इस तरह का जो स्किन प्रेप होता है, ये नॉर्मल स्किन प्रेप होता है जिसमें आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, दैट्स इट। इसमें कोई आप सेरम्स यूज नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए। और बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम सब मैट यूज करते हैं। मैट यूज करने के बाद जो हमारा विद इन ग्लो होता है, जो हमारी स्किन की नेचुरल ग्लोई स्किन होती है, वो हमारी निकल कर मेकअप के साथ आती है, उसे हम बोलते हैं क्लाउड स्किन मेकअप। ऐसा लगता है जैसे कि बादलों में से एक चांद निकल के आ रहा है, इस तरह का ये एक मेकअप लुक ट्रेंड है। तो चलिए हम ये जो मेकअप ट्रेंड है इसे फॉलो करते हैं। एंड स्पेशली ये मेकअप, ये ट्रेंड जो है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिनकी मेरी तरह ऑयली स्किन रहती है और जिनको मैट बेस पसंद आते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारी स्किन इतनी ऑयली होती है हमारा अपने आप विद इन ग्लो आ जाता है हमें हाइलाइटर्स की और इन सब चीज़ों की। वैसे इस मेकअप में हाइलाइटर्स यूज़ होंगे भी नहीं, शिमर्स कुछ भी यूज़ नहीं होगा, ऑयल बेस कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सब कुछ मैट बेस यूज़ होगा। और हम उसको उस टेक्निक को कैसे फॉलो करेंगे और मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ अगर आप ये देखना चाहते हो, तो चलिए ये मेकअप लुक, ये ट्रेंडी मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। और मेकअप को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाउड स्किन मेकअप, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेने का ये बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। यस, ये मेरे पोर्स को भी जो है मैटिफाई भी करेगा स्किन को, पोर्स को भी फिल करेगा, एंड प्लस ये जो आपकी अगर फाइन लाइंस का हल्की हल्की फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है उसको भी फिल कर देगा। और अब मैं यहाँ पर मेबलिन का फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा शेड नंबर है 128 और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आपने, और इस तरह से स्किन के अंदर प्रेस करते हुए इसको ब्लेंड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा लेके, बहुत ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं, लेयर्ड अप नहीं करना है स्किन को, जितना ही स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो उतना ही लेना है। और अब मैं फिटमी का ही फाउंड ये कंसीलर लेके, ये नंबर 10 है मेरा, थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड के अंदर मैं लूँगी, इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट भी कर लूँगी, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी भी कवरेज की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको लगा लेंगे और फेस हाईलाइट कर लेंगे। और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से जो है अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और इससे जो है मेरा फेस हाईलाइट भी हो जाएगा। और अब मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छे से प्रेस करके इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी सो दैट ये मेरी एक स्किन लाइक फिनिश लगे। ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, ये वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं करना है, सिर्फ उतना ही लगाएं जिससे कि आपका जो फाउंडेशन बेस है वो सेट हो जाए। और अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये स्कल्ट पैलेट आता है, इसके ऊपर मेरा प्रॉपर वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ये मुझे इतना पसंद है, आप देख सकते हो कि मैं इसको कितना यूज़ कर चुकी हूँ कि अभी ख़त्म होगा तो मुझे इसका दूसरा भी पार्ट मंगवाना पड़ेगा, इससे मैं अपने फेस को डायमेंशंस दे दूँगी। बहुत ही बढ़िया इसका जो कॉन्टूअर है मुझे लगता है। और अब मैं यहाँ पे नायका का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल बेस नहीं है, आप देख रहे हो कि बस टेक्निक्स हैं और ब्लेंडिंग है जिसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मैं एले गर्ल का ब्रो पोमेड यूज़ करूँगी, ब्रो पोमेड भी बहुत सही रहते हैं ह्यूमिड सीजन के अंदर, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। अपने आईब्रोज को आप शेप कर लें, शेप दे दें और फिल कर लें और काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे आपको इससे, देखिए। और अब मैं इस सबको NYX NYX के जो मैट का वाला जो फिक्सर आता है उससे मैं अपने मेकअप को यहीं पे सारा का सारा लॉक कर दूंगी, सेट कर दूंगी। और अब मैं यहाँ पर नायका का ये छोटा सा पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो, आई एम सो ऑब्सेस विद दिस पैलेट, ये इतनी मेरे को वर्सेटाइल लगती है ना। इससे मैं थोड़ा सा देखिए विंग ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल अपनी जो
क्लोज लैश लाइन है, अपर लैश लाइन, उसके ऊपर इस तरह से मैं विंग ड्रॉ कर रही हूँ। और अब मैं अपने इनर कॉर्नर से जो है इस तरह से अपनी आई की शेपिंग देते हुए इस तरह से लूँगी और इसको हल्का हल्का सा स्ट्रोक देती जाऊँगी। और अब मैं इसे जो है एक लाइटर शेड से, थोड़े से ब्राउनी शेड से जो है ब्लेंड कर दूँगी। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल स्मोक आउट कर रही हूँ इसको। और फिर थोड़ा सा मैं इसको अपनी जो लैश लाइन है उसको डार्क करते हुए ऊपर की तरफ ले जाके ऐसे विंग बनाते हुए इस तरह से। और अब मैं सेंटर में जो है गोल्डन जो इसमें शिमर शेड है वो लगा लूँगी। बस मेरा जो आई मेकअप है वो इसी तरह से कंप्लीट हुआ है ये वाला, एंड बहुत ही क्लासी लुक लगा मुझे। अब लोअर लैश पे भी हमने थोड़ा सा स्मज आउट कर दिया है। एंड अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छा है, इससे आपकी जो लैशेज हैं वो नेचुरली भी काफ़ी अच्छी होंगी। अगर आपको फॉल्सीज नहीं लगानी है तो आप ये वाला मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं जो है थोड़ा सा देखिए अपनी अंडर आईज़ के नीचे हल्का सा जो है कॉम्पैक्ट लेके नीट लुक दे दूँगी। और अब मैंने लैशेस लगा ली हैं। और अब मैं यहाँ पर मैबलिन की वेनल इंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और इसको देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, हल्का सा मैंने लगा लिया है। इसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ग्लॉस भी लगा सकती हूँ, लेकिन ये जो ग्लॉस है ना ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लिपस्टिक के साथ साथ ही ग्लॉस का भी काम करता है, तो मैंने इसलिए ये वाला लिपस्टिक यूज़ किया है। लुक कंप्लीट है, आई एम श्योर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है। क्लोजअप में भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कर देना और अपने इस वीडियो को जितना मर्जी शेयर भी कर लेना। बाय। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा है और अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, सो दैट आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और मैं आपको सबसे पहले दिख जाऊँ। हाँ, तो अब मैं चलती हूँ, फिर कुछ नया लेके आती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।